गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाबुत राई, केवट बोला नहीं रघुराई, केवट बोला नहीं रघुराई। तो केवट क्या कहता है? मैंने गंगा पार करो, या नाता गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, या नाता गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, या नाता गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, नाता गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, नाता गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोलो अयोध्या नाथ भगवान की जय। दोषी मया नाथर मुक्ति हेतु भव सागरे, ओम सहस्त्र श्री रेखा बुरुका सहस्राक्ष सहस्रभात सब भूमिगम सर्वता स्मृत्वा तेतीस दशांगुलम श्रीमद भागवत वांगमय मूर्तिभ्यो नमः। भागवत जी महाराज के ऊपर अर्पण कर दीजिएगा। गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि नमः। इसमें से पुस्तक के स्नान नहीं होता है, तिलक कीजिए, पुष्प चढ़ाइए। गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि नमः। धूपम दीपम निवेद्यम निवेद्यामि नमः। हम नाभ्यायासीदंतरिक्षकम शीर्षण उदोहो समवर्तता पद्वयम भूमिर्दिशा स्रोतान तथा लोकान कल्पयन्न। त्रितालम आचमनीयम जल छोड़िए, आचमनीयम समर्पयामि नमः। तांबूल पुंगफलम मह ऋतुफलम तांबूल बीटीफलम सद्गुणाते द्रव्य दक्षिणाम नमस्कारम समर्पयामि नमः। अनेन भूजेन दक्षिणा चढ़ा दियो, अनेनार्चनेन श्रीमद्भागवत महापुराण देवता श्री कृष्ण वांग्मय मूर्ते प्रियंताम नमः। दाहिनिया से जल छोड़ दीजिएगा। ये धन्यवाद। और सीधे हाथ में पुष्प अक्षत ले लीजिए। हरि ओम मा सुकरूप प्रभु दक्ष सर्वशास्त्र विशारद एतत् कदा प्रकाशेन मद ज्ञान विनाशेत श्रीमात् सुखदेव मुनिभ्यो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरेत श्री वेदव्यासाय नमः। ओम श्री वेदव्यासाय सुखदेव मुनिभ्यो नमः। अब आप महाराज जी के चंदन का तिलक कीजिए। व्यास जी महाराज के ओम सुख रूप प्रभु दक्ष सर्वशास्त्र विशारद एतत् कदा प्रकाश अक्षत लगाइए अक्षत ये दे दो महाराज। और लो हिमाला अक्षत जी। नहीं नहीं कहने में कह इशारा कर रहा हूँ आप। पत्रादि पुष्पम मह धूपम दीपम नैवेद्यम आप भी। अब इनके सब के तिलक कर दो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला,
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से राम 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 श्री राम 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परम परम लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरी व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्यां
रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतानं परं भागवतां नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने बाल बिने सुन कर कृपा श्री राम चरण रति दे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाथ तुम्हारे गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक कल्याण के प्रभु श्री सीताराम। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम ही बसव निरंतर सगुण रूप श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री सीताराम नम महाराज की जय हो। श्री राम हरे राम। श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम। जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम। ज्यादा भी नहीं इतना भी नहीं जय श्री राम श्री राम जय श्री राम राधे जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम राम। थोड़ा सार बना दे जय श्री राम जय श्री राम।
बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धे महामंडलेश्वर पूज्य महंत श्री राम प्रियादास जी महाराज की जय। पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज की जय। पूज्य श्री मस्त रामदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीता। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी नंद नंदन आनंद कंद ब्रजचंद भगवान श्याम सुंदर की वंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रभु के लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान परम श्रद्धे अर्चनी वंदनी पूज्य महंत श्री राम प्रियादास जी महाराज परम सनी पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज एवं मुदमंगल में संत समाज श्रोता समाज भक्ति स्वरूपा माता सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी भगवत भाव से सभी को बार बार वंदन करते हुए भगवान की अहित की कृपा से भगवान श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है। आइए सभी भाव से मिलकर के भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय 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 जय सिया राम जय सिया राम
सिया राम। Yeah.
जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम करुणा कर अपना तो राम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर बोली श्री सीतारमण महाराज की जय हो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री वेदव्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय सब संतन की जय 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 श्री सीता ऐसी क्या बात है जो आप को ये बड़ा प्रिय लगता है और आप इसको त्यागते नहीं है। कौवे की योनि तो कोई बहुत अच्छी योनि नहीं है ना। पक्षियों में भी चांडाल पक्षी कौवा, तो इस कौवे की योनि में रह करके आपको अच्छा लगता है क्या? अरे आप मनुष्य बनकर के भी तो भजन कर सकते हैं, अथवा पक्षियों में भी
हंस बनकर के आप रह सकते हैं, तोता आदि बनकर के आप रह सकते हैं, पर ये कौवा की योनि कौवा ही बनकर के आप क्यों रह रहे हैं? तो श्री कागभुसुंडी जी ने कहा, और ये प्रश्न पूछा था किसने? गरुड़ जी ने। गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी से ये प्रश्न पूछा कि आप इस कौवे के शरीर को त्यागते क्यों नहीं है, दूसरे शरीर में क्यों नहीं आप रहना चाहते? तो श्री कागभुसुंडी जी कहते हैं कि यही तन राम भक्ति में पाई, इस शरीर के द्वारा मुझे राम जी की भक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए मैं इस शरीर को त्यागना नहीं चाहता। और बीते कल्प सात अरुबीसा, मुझे 27 वर्ष हो गए, 27 कल्प हो गए, 27 कल्प हो गए मुझे यहां इस नीलाचल पर्वत पर रहते हुए। मैं इस कौवे के शरीर को त्यागना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा मुझे राम जी की भक्ति मिली है, तो मेरे लिए तो ये कौवे का शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य जब मैं था तब मुझे राम जी की भक्ति नहीं मिली, और जब मैं कौवे की योनि में आया, लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दिया, मनुष्य से मुझे कौवा बना दिया। ये लोमस ऋषि का आशीर्वाद है जो आज मैं कौवे के शरीर में रह रहा हूं। मनुष्य बनने से, मनुष्य बनकर के मैंने अपने गुरु का अपमान किया। कागभुसुंडी जी कहते हैं मैंने अपने गुरुदेव का अपमान किया। जब मैं ब्राह्मण था और मनुष्य था, ब्राह्मण था, एक बार शंकर जी के मंदिर में मैं शंकर जी का नाम जप रहा था और गुरुदेव आए, मैं अभिमान बस बैठा रहा, मंत्र जपता रहा, गुरुदेव के आने पर उठ करके मैंने प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव का अपमान कर दिया। तब शंकर भगवान इसको सहन नहीं कर सके। मेरे गुरुदेव तो बड़े दयालु स्वभाव के थे, तो गुरुदेव ने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा? गुरुदेव नाराज नहीं हुए, लेकिन शंकर भगवान इसको सहन नहीं कर सके और शंकर भगवान ने मुझे श्राप दे दिया। लेकिन बाद में उन्हीं गुरुदेव ने मुझे बचा लिया और शंकर भगवान ने कृपा करके आशीर्वाद दे दिया। बाद में मैं मनुष्य के शरीर में गया तो वहां भी जो है लोमस ऋषि है, मैं अड़ गया। वो मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का पाठ पढ़ा रहे थे और मैं सगुण साकार ब्रह्म का पाठ पढ़ना चाहता था। अंत में उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया। तू कौवा हो जा। जब मुझे कौवा बना दिया तब भी मुझे बुरा नहीं लगा। तब गुरुदेव ने दया करके लोमस ऋषि ने कहा कि अब तुझे राम जी की भक्ति प्राप्त होगी इस शरीर में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य बनकर के मुझे राम जी की भक्ति प्राप्त नहीं हुई और कौवा बनने से मुझे राम जी की भक्ति प्राप्त हुई, तो मेरे लिए तो मनुष्य से ज्यादा अच्छा है ये कौवे का शरीर, और इसीलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो देखो भाई, शरीर चाहे पुरुष का हो, चाहे स्त्री का हो, और चाहे
पशु पक्षी कोई भी शरीर हो, पर महत्व तो उसका तब है जब उस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति होती है। तो अब मनुष्य बनकर के यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो मनुष्य श्रेष्ठ है, और यदि मनुष्य बनकर के यदि कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है तो उसको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। कोई यदि पशु पक्षी की योनि में रहकर के भगवान की भक्ति कर लेता है तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात है महाराज, ये जो सुविधा है ना भगवान की कथा सुनने का की जो व्यवस्था है, ये सत्कर्म करने का जो सौभाग्य है वो केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य योनि के पास ही ये क्षमता है भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। इसलिए सोई पावन सोई सुभग शरीरा ज्योतन पाए भजी रघुवीरा, वही शरीर सुंदर है और वही शरीर पवित्र है जिस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति होती है। हम यदि भगवान को अपना मान करके और उनसे प्रेम करते हैं तो हम धन्यवाद के पात्र हैं, और मनुष्य बनकर के भी यदि भगवान का भजन नहीं हुआ, सारा जीवन ऐसे ही चला गया, तो हमसे ज्यादा ना समझ कोई भी नहीं हो सकता है। ये मनुष्य का शरीर केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है, दूसरा कोई इसका हेतु है ही नहीं। कबहुं कर करुणा नर देई देत ईस बिन हेतु सनेई, भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है और इसके पीछे और कोई हेतु नहीं है, केवल अपना उद्धार करने के लिए। चलो एक अवसर दे देता हूँ, मेरा भजन करेगा भक्ति करेगा कल्याण हो जाएगा, 84 लाख योनि से छूट जाएगा। तो हम लोग यहाँ का क्या करते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हम यहाँ भगवान का भजन करने आए थे और करने लगे संसार का भजन। इसलिए हर व्यक्ति अपना काम बनाना चाहता है ना, तो अपना असली काम यही है और यही उद्देश्य है, इसीलिए हम आए हैं। अपना अपना कल्याण कर लेना चाहिए। श्री प्रहलाद जी महाराज ने दानव कुल में उत्पन्न दानव कुल में जन्म लिया, उसके बाद भी भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भक्तों में शिरोमणि कहलाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि दानव का पुत्र दानव ही होगा, अथवा ये भी कोई जरूरी नहीं है कि भक्त का पुत्र भक्त ही होगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद महान भक्त, भक्त शिरोमणि, और इधर उत्तम कुल पुलस्त कर नाती विसर्वा मुनि के पुत्र रावण कुंभकर्ण राक्षस कहलाए, और राक्षस ही नहीं राक्षस राज कहलाए। इसलिए महत्व है भगवान से जुड़ने का। एक बार शंकर जी से पूछा कि आपने टेढ़े चंद्रमा को मस्तक पर क्यों बिठाया, इस चंद्रमा में तो दोष ही दोष है,
आपने इसको मस्तक पर क्यों बिठाया? तो शंकर भगवान कहते हैं कि देखो वैसे तो इसमें दोष ही दोष हैं, ये दिन में मलिन हो जाता है, एक पक्ष में घटता है एक पक्ष में बढ़ता है, और रात्रि में निकलने के कारण ये निशाचर भी है और विष का बंधु है। छई निशाचर बंक ये विष बंधु सकलंक, पांच पांच दोष इसमें है। उसके बाद भी इस चंद्रमा को हमने मस्तक पर बिठाया क्यों? बोले इसमें एक विशेषता है और वो यह है कि ये भगवान के नाम से जुड़ा है। जब हम राम जी का नाम लेते हैं तो कहते हैं रामचंद्र, और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो कहते हैं कृष्ण श्री कृष्ण चंद्र। तो ये भगवान से जुड़ा है। और भैया भगवान से जुड़ने वाला व्यक्ति फिर अधम नहीं रह जाता है, छोटा नहीं रह जाता है। भगवान से जुड़ने के बाद में छोटा व्यक्ति भी महान हो जाता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि इस चंद्रमा में दोष बहुत हैं, लेकिन एक विशेषता ये कि ये चंद्रमा भगवान से जुड़ा हुआ है, इसने भगवान से संबंध बनाया है। तो जो भगवान से संबंध बना लेता है उसको मैं सिरोधारी करता हूं। चिता की भस्म हम लोग छुएंगे तो स्नान करना पड़ेगा, मुर्दे की राख को यदि हम लोग छुएंगे तो स्नान करना पड़ेगा, और वही राख शंकर भगवान जब धारण कर लेते हैं, उसी राख को जब शंकर भगवान धारण कर लेते हैं तो वही राख वही चिता की भस्म स्वयं तो पवित्र हो ही जाती है, दूसरों को पवित्र करने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। शंकर भगवान से जुड़ने के कारण वो चिता की भस्म जगत को पवित्र करने वाली हो गई। तो ये है संबंध की महिमा। आप चाहे जिस कुल में उत्पन्न हुए हो, चाहे जहां रहते हो, चाहे जैसा आपका शरीर हो, लेकिन यदि आपने भगवान से संबंध बना लिया, आप भगवान के हो गए, तो आपके अंदर भले कोई भी योग्यता नहीं है उसके बाद भी यदि आप भगवान से जुड़ गए तो आप में सारी योग्यताएं आ जाएगी और आप महान बन जाओगे। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनको भी हम महापुरुष कहते हैं अथवा जिनके अंदर देवत्व आया है, महानता आई है, कब आई? भगवान से जुड़ने के बाद ही तो महात्मा बने, भगवान से जुड़ने के बाद ही तो पूजा हो रही है, भगवान से जुड़ने के बाद ही आज इतना सम्मान मिल रहा है। भगवान से नहीं जुड़े थे तो कौन हमें पूछता था? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस बात को, हो तो सदा खर को असवार तिहारे नाम गयंद चढ़ायो, मैं तो सदा गधे पर बैठने वाला था, किसी लायक भी नहीं था, कोई काम का नहीं था, लेकिन धन्य है प्रभु आपकी कृपा और आपका सानिध्य और आपका नाम, आपके नाम से जुड़ते ही आपके नाम ने मुझे हाथी पर बिठा दिया। सब लोग मुझे प्रणाम करने लगे, सब लोग मेरा सम्मान करने लगे, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं था। अच्छा कुछ लोग कहते हैं, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले कुछ भी नहीं थे, फिर महान महात्मा कैसे बने? बोले वो तो उनकी पत्नी ने फटकार दिया, तुलसीदास जी की पत्नी ने फटकार दिया इसलिए महात्मा बन गए। हम कहते हैं यदि कोई पत्नी के फटकारने से महात्मा बनता है, पत्नी के फटकारने से यदि कोई महात्मा बनता है तो आज घर घर में तुलसीदास होते होते कि नहीं होते? अरे पत्नी की फटकार किसको नहीं मिलती है, सबको फटकार मिलती है, पर कोई तुलसीदास बना नहीं, कोई तुलसीदास बना। कहने का तात्पर्य यह है कि
महानता केवल भगवान से जुड़ने पर मिलती है। आप भगवान के हो जाओ बस, तन मन धन से मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तो भजत कृपा कर यही रघुराई। मन क्रम वचन से भगवान के हो जाओ बस, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी जिम्मेदारी भगवान उठा लेंगे आपकी, पूरी जिम्मेदारी भगवान लेंगे आपकी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप तो फिर आनंद मनाएंगे, आनंद करेंगे। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। एक आदमी अपना लोटा लेकर के कुएं के पास में गया, कुएं से कहा, भाई देखो हमको जल दे दो तुम। बोले ले लो। उस व्यक्ति ने पूछा, पर एक बात बताओ, तुमसे भी बड़ा कोई है, तुमसे भी ज्यादा जल किसी में है? तो कुएं ने कहा, बोले भैया तालाब के पास जाओ, तालाब मुझसे बड़ा है। तो उसने कहा, बोले ठीक है, तो मैं तालाब के पास में ही जाता हूँ। वो व्यक्ति तालाब के पास गया, तालाब से भी पूछा वही बात, देखो भाई हम कुएं को छोड़कर तुम्हारे पास में आए, पर एक बात तुम भी बताओ, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? तो तालाब ने कहा, बोले नदी है, नदी में बहुत जल है। तो व्यक्ति नदी के पास में गया, नदी से भी वही प्रश्न किया कि देखो हमने कुएं को छोड़ा, तालाब को छोड़ा, और अब तुम्हारे पास में आए, तुम बहुत बड़ी हो, तुम्हारे पास बहुत अधिक जल है, पर एक बात बताओ, जल तो हम तुमसे लेंगे लेकिन तुमसे भी बड़ा कोई है? तो नदियों ने उत्तर दिया, बोले हमसे बड़ा समुद्र है, वहां जाओ, वहां बहुत ज्यादा जल है, वहां जल की कमी नहीं है। तो वो व्यक्ति चलते 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 समुद्र के पास में पहुंचा। अब समुद्र से कहा कि भाई देखो समुद्र जी, हम तुम्हारे पास में आए और तुम सबसे बड़े हो, तो अपने बड़े होने का तो ध्यान रखना, तुम सबसे बड़े हो और सबको छोड़ करके हम तुम्हारे पास में आए, इसलिए सबसे ज्यादा जल तुम मुझे देना। तो समुद्र ने कहा, भैया ये तो सत्य है कि मैं सबसे बड़ा हूं और जल भी मेरे पास है, पर भैया तुम्हारा लोटा तो उतना ही बड़ा है, तुम्हारा जो पात्र है वो तो 1 किलो का ही है। अरे 1 किलो जल तो तुम्हें कुएं के पास ही मिल जाता, यहां बेकार में तुम आए। हम जल दे भी देंगे, होगा क्या? तुम्हारा बर्तन तो उतना ही बड़ा है, जल आएगा किसमें? किसमें ले जाओगे? मतलब कहने का यह है कि मिलेगा उतना ही कि जितना बड़ा पात्र होगा, जितने हमारे अंदर पात्रता होगी ना, बस जितनी योग्यता होगी, जितनी पात्रता होगी, बस उतनी ही कृपा का अनुभव हमें होता है। तो भगवान से जो व्यक्ति जितना पास चला गया, हमने भगवान से संबंध तो बनाया लेकिन अभी उतने पास में नहीं गए हम, तो अभी उतनी महानता नहीं मिली। आप धीरे 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 जैसे उनके पास में जाओगे तो भगवान वाले सारे गुण आपके अंदर आएंगे। भगवान में दयालुता है, तो जो भगवान से जुड़ेगा उसका स्वभाव विनम्र हो जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, सबके ऊपर दया करने लगेगा, क्योंकि भगवान वाले गुण उसके अंदर आएंगे। जैसे लोहा अग्नि के पास में जाता है तो अग्नि वाले सारे गुण लोहे में आ जाते हैं। लोहे को अग्नि के पास में रख दो, धीरे धीरे गर्म होगा, फिर उसका रूप बदलेगा, फिर उसमें वो शक्ति आएगी जो शक्ति अग्नि में है, पूरा रंग रूप और सब कुछ बदल गया। जो शक्ति अग्नि में है वही लोहे में आ गई, लोहा भी अग्नि की तरह चमकने लगा। पहले कुछ भी नहीं था, अग्नि का सानिध्य मिलते ही, अग्नि का संग मिलते ही अग्नि के समान हो गया वो लोहा भी, कालापन दूर हो गया, तेज आ गया। ठीक इसी प्रकार से जो भी जीव भगवान से जुड़ेगा, भगवान के पास में जाएगा, तो जितना पास में जाएगा भगवान के जो गुण हैं, क्षमा, दया, उदारता, ये भगवान के जो गुण है ना, वो धीरे धीरे उस व्यक्ति में आने लगते हैं। आपने देखा कई ऐसे महापुरुष होते हैं कि जिनमें बड़ी उदारता होती है,
महापुरुष, तो उनमें ये महानता कहां से आई? भगवान के यहीं से तो आई है। भगवान का नाम जपा, भगवान की भक्ति की, भगवान को अपने हृदय में बसाया और भगवान को अपना माना, तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए और भगवान वाले सारे गुण उनमें आ गए। अब फिर वो बन गए महापुरुष। उनको कहते हैं वाह भाई ये महापुरुष। महापुरुष आया कहां से? महापुरुष कहां से आया? भगवान से जुड़ने के बाद। तो कहने का तात्पर्य बस यही है, भगवान से कोई भी जुड़ जाए, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर, कोई कोई भी हो, जो भी भगवान से जुड़ेगा वो महान हो जाएगा और देवता बन जाएगा। अरे देवता की बात छोड़ो, यहाँ तक कि यदि वो ज्यादा भक्ति करेगा तो ब्रह्मा तक वो बन सकता है। इंद्र की तो बात जाने दो, ब्रह्मा तक भी वो बन सकता है। जीव कोटि के भी ब्रह्मा होते हैं, बस वो भगवान नहीं बन सकता, बाकी सब बन जाएगा। महापुरुष बन जाएगा, देवता बन जाएगा, ब्रह्मा बन जाएगा, पर भगवान नहीं बन सकता है। भगवान भगवान ही है, भगवान कोई नहीं बन सकता है, ना बना है ना बनेगा कोई। और भगवान बनने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य बस यही है कि श्री प्रहलाद जी महाराज दानव कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भक्त शिरोमणि कहलाए। यह है भगवान की भक्ति की महिमा। खंबे से भगवान प्रकट हो गए। आज भी खंबे बहुत हैं, भगवान प्रकट होना चाहिए ना। तो किसी ने कहा सूर अनेक फिरे कन मांगत पे पद सूर सुस्वाद कहाँ है, पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत वाली सिचाह कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जस मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। राम कथा बहुतों ने लिखी पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा है ऐसी मर्यादा और किसी ग्रंथ में दिखाई नहीं पड़ती। आज भी वृंदावन हरिद्वार मथुरा बहुत मीराएं घूम रही है, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे पर मीरा मत वाली सी चाह कहां। जो मीरा आपके चित्तौड़ में हुई है, मेवाड़ में, मेड़ता में जिनका जन्म हुआ, वो चित्तौड़ की जो राज रानी कहलाई और उन्होंने जो प्रेम किया भगवान से, तो ऐसी लगन आज जो मीराएं बन करके घूम रही है क्या उनके पास में है? नहीं, वैसी लगन नहीं है। आज बहुत सूरदास पद बनाते हैं, सूर अनेक फिरे कन मांगत पे पद सूर सो स्वाद कहां है। आज बहुत सूरदास हैं, वो पद बनाते हैं, लेकिन सूरदास जी जो हुए 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी के समय में, उन्होंने जो सूर सागर लिखा है और उनके पदों में जो आनंद आता है, आज के सूरदासों के बनाए हुए पदों में वो स्वाद नहीं आता है। राम कथा बहुतों ने लिखी लेकिन रामचरितमानस में जो मर्यादा है वो और जगह देखने के लिए नहीं मिलती है। तो कहा बोले ऐसे ही नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रत्येक खंबे में नरसिंह भगवान है आज भी, पर प्रकट करने के लिए प्रहलाद तो चाहिए। आज भी भगवान अवतार लेने के लिए तैयार है, पर कोई नंद यशोदा तो हो, कोई दशरथ और कौशल्या जैसे माता पिता तो हो, दशरथ जैसा पिता तो हो जो राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए, इतना प्रेम करने वाला है? आज भी भगवान आपके पुत्र बन करके आ सकते हैं, पर पहले हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए।
कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। कहने का तात्पर्य यह है भगवान की कृपा उसी के ऊपर होती है विशेष रूप से जो कृपा का पात्र होता है। भगवान की कृपा जो होती है वो उनकी आज्ञा का पालन करने से होती है। भगवान की कृपा आप चाहते हैं तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। और भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान हमसे क्या कहने आएंगे क्या? ये हमारे जो शास्त्र है ना, यही भगवान की आज्ञा है। शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है, पुराणों में जो लिखा है, वेदों में जो लिखा है, तो वेद शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन होगा तो भगवान की कृपा आराम से मिलेगी। आज्ञा समना सुसाइब सेवा, जो भगवान की आज्ञा का पालन करेगा भगवान उसके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और भगवान प्रसन्न है तो कृपा हो गई। कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता, और भगवान प्रसन्न उसके ऊपर होते हैं जो भगवान की बात को मानता है। घर में भी देख लो, एक पिता के चार पुत्र हैं पर चारों पर बराबर प्रेम नहीं होता पिता का। चारों बेटों पर बराबर प्रेम नहीं होता है। ज्यादा ममता कौन से पुत्र पर होती है? बोले जो पुत्र पिता की बात को मानता है, पिता की सेवा करता है, पिता का आदर करता है, पिता की हर आज्ञा का जो पालन करता है, उस पुत्र के ऊपर पिता की स्वाभाविक ममता और प्रेम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी है। हम सभी चारों वर्ण में जन्म लेने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों ही भगवान के पुत्र हैं। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए हैं, वैश्य जो है भगवान के उदर से प्रकट हुए हैं और शूद्र भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं। तो बाबा आप विचार करिए, हमारा मस्तक, हमारे हाथ, हमारा पेट, हमारे चरण, क्या ये अलग अलग हैं? एक ही है, नाम इनका अलग अलग है। ये सिर है, ये हाथ है, ये पेट है, ये चरण है, पर चारों को मिला करके ही तो शरीर बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम मस्तक को तो बढ़िया से तेल भुलेल लगा लेते हैं और चरणों में कुछ ना करें, वो भी हमारे ही है। जिसका जो कर्तव्य है वो करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा उसी के ऊपर होती है विशेष रूप से कि जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो माता पिता की सेवा करेगा, जो गौ ब्राह्मण की सेवा करेगा, जो साधु संतों का सम्मान करेगा, भगवान की कृपा उसके ऊपर अपने आप होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। अरे जो भैया न माता पिता को माने, न साधु ब्राह्मण को माने, न भगवान को माने, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? ठीक है, जीने खाने के लिए रोटी दाल भगवान दे देंगे, लेकिन कृपा की बात तो आप कहोगे तो फिर कृपा तो नहीं है। पात्रता होनी चाहिए। भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की है। आगे प्रहलाद जी महाराज को भगवान दत्तात्रेय का सत्संग मिला। भागवत जी के अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया गया है। क्षीर सागर के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उसमें बड़ी बड़ी गुफाएं भी हैं। उसकी तरहटी में एक सरोवर भी है, बड़े बड़े हिंसक जीव वहां निवास करते हैं। उसी पर्वत पर एक मतवाला हाथी अपने परिवार के सहित रहता था। एक दिन अपने परिवार को लेकर के वे सरोवर में जल पीने गया। पहले तो जल पिया, बाद में जल क्रीड़ा करने लगा, पूरे जल को मथ डाला, उसमें रहने वाले जीव इधर उधर भागने लगे। उसी सरोवर में एक विशाल ग्रह रहता था, मगर
उसने क्रोध में भर करके उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। महाराज बहुत प्रयास किया उसने अपना पैर छुड़ाने के लिए, लेकिन वो जल का जीव है मगर उसकी शक्ति जल में अधिक है और उसे तो रक्त भी मिल रहा है पीने के लिए, वो बलवान भी हो रहा है। गजराज कमजोर होता गया, अंत में क्या हुआ, उसके प्राण संकट में आ गए। भगवान को पुकारा, वो भगवान तो ऐसे दयालु हैं कि एक बार पुकारा कि तुरंत भगवान पहुंच गए। गजराज ने देखा भगवान आ तो गए लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है भेंट करने के लिए। भगवान अंतर्यामी समझ गए, तुरंत अपने गले में जो माला थी ना उसमें से एक फूल गिरा दिया कमल का, और गजराज ने वही पुष्प उठा करके भगवान को चढ़ा दिया और भगवान ने उसको अपना मान लिया, सेवा मान लिया। वो फूल भगवान ने ही दिया और गजराज ने उसी फूल को जो है भगवान को चढ़ा दिया। देखो हमारे पास में जो कुछ भी है ना सब भगवान का है, घर में जो कुछ भी है वो सब भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है। भगवान ये चाहते हैं कि बस जीव मुझे अपना माने। भगवान को थोड़ा दिया जाता है और भगवान ज्यादा देते हैं। जैसे आप किसान, आपने खेती में एक कुंटल बीज बोया, बोया आपने एक कुंटल और मिला आपको 10 कुंटल, कितना मिलेगा? आप 10 किलो बोओगे, आपने 10 किलो गेहूं बो दिया, फिर बदले में आपको कितना मिलेगा? कम से कम 1 कुंटल, 2 कुंटल, है ना? तो बस इसी प्रकार से अब आप विचार करो, आप कहो कि धरती को पहले हमने दिया तब उसने हमें दिया। अरे भाई ठीक है, धरती में आपने बीज बोया लेकिन आपके पास बीज आया कहां से? आपके पास जो बीज है, जिस बीज को आपने बोया वो बीज आया कहां से? वहीं से तो आया था। तो धरती माता लेती है कम और देती है ज्यादा, ठीक इसी प्रकार से भगवान भी लेते हैं हमसे कम और देते हैं ज्यादा। इसलिए हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, कोई भी कर्म किया जाता है तो भगवान को सौंप देने पर वो अनंत गुना हो जाता है और सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। हमारे पास में जो कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है। गजराज ने भगवान को वो पुष्प चढ़ा दिया, भगवान ने उसको अपना मान लिया, उस भेंट को स्वीकार कर लिया। चलो गजराज ने मुझे कुछ दिया, ये भगवान का स्वभाव। और तुरंत महाराज गजराज को बाहर निकाला, सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का वध किया और वो गजराज भी मुक्त हो गया और वो ग्रह भी मुक्त हो गया। दोनों को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। तो गजराज ने पूछा, प्रभु रोया मैं, चिल्लाया मैं, आपको पुकारा मैंने, पर आपने ये क्या किया? पहले आपने इस ग्रह का उद्धार कर दिया, बाद में मेरा उद्धार किया। तो भगवान कहते हैं, देखो गजराज तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हारा तो मैं उद्धार करूंगा ही, पर ये जो ग्रह है ना ये तुम्हारा भक्त है तो मैं अपने भक्त का तो उद्धार करता ही हूँ, लेकिन पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ जो मेरे भक्त की भक्ति करता है। पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ जो मेरे भक्त की भक्ति करता है। इसलिए पहले भगवान ने ग्रह का उद्धार किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आगे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी दल मंजरी, कोई पुष्प भी यदि हमें मिल जाए, कोई फल आदि मिल जाए भगवान पर चढ़ाया हुआ, तो उसको आदर पूर्वक लेना चाहिए। यदि मंदिर में गए और पुजारी ने यदि हमें माला भी पहना दिया तो उस माला को बड़े भाव से स्वीकार करना चाहिए। वो भगवान के गले की दिव्य माला है। भगवान को भोग लगने के बाद में वो प्रसाद बन जाता है, फिर वो भोजन नहीं रहता है, फिर वो फल नहीं रहता है, फिर वो पदार्थ नहीं रह जाता है। भोग लगने के बाद में ना वो लड्डू है, ना पूरी है, ना कचौड़ी है। भोग लगने के बाद में फिर वो प्रसाद है और प्रसाद में पदार्थ वाली बुद्धि नहीं होना चाहिए। पुजारी जी ने जो कुछ दिया प्रसाद कह करके, फिर उस प्रसाद को प्रसाद समझ करके ही लेना चाहिए। एक बार दुर्वासा जी आ रहे थे,
भगवान के यहाँ से मार्ग में देवराज इंद्र मिले, भगवान के गले की माला दुर्वासा जी ने उतार करके इंद्र को पहना दिया। इंद्र उस समय मतवाला हो रहा था और उस इंद्र ने वह माला अपनी अप्सरा को पहनाया। अप्सरा ने ऐरावत हाथी के मस्तक पे डाला, ऐरावत हाथी ने नीचे डाल करके कुचल दिया। दुर्वासा जी को आ गया क्रोध, ओह भगवान की माला का अपमान कर दिया, तुम्हें अभिमान है, श्राप दे दिया, श्रीहीन हो जाओ। अब दुर्वासा जी के श्राप से महाराज वो तो व्यर्थ जा नहीं सकता। आगे महाराज देवासुर संग्राम हुआ, उसमें जो है देवताओं की पराजय हो गई, देवता मारे मारे घूमने लगे। तब भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हमारी विजय कैसे हो। भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो। कैसे होगा समुद्र का मंथन, इतना विशाल समुद्र है। बोले हम जानते हैं कि तुम अकेले नहीं कर सकते हो, दानवों की सहायता लेना पड़ेगा। बोले प्रभु वो तो हमारे शत्रु हैं। बोले नहीं, शत्रु तो हैं लेकिन काम बनाने के लिए शत्रु को भी मित्र बनाया जाता है, ये नीति है। अहि मूषकवत, जैसे एक सर्प ने चूहे से मित्रता कर लिया पिटारी से बाहर निकलने के लिए और बाहर निकल करके चूहे को ही खा गया, बोले इसी प्रकार से अपना काम बनाने के लिए कभी कभी जो है शत्रु को भी मित्र बनाया जाता है। जाओ उनसे मित्रता करो तब समुद्र का मंथन होगा। ये देवता गए बलि महाराज के पास में। एक बार तो देवताओं को देख करके सभी देवते देवताओं को मारने के दौड़े। बलि ने कहा नहीं रुक जाओ, ये हमारे पास आए हैं, शस्त्र लेकर के नहीं आए, पहले पूछो किस लिए आए। महाराज सभी देवता बैठ गए, दानव बैठे, और बलि ने पूछा बताओ भैया क्या बात है, कैसे आए। तो इंद्र ने कहा देखो भैया आप हम दोनों भाई भाई हैं, अरे हमारे पिता तो एक ही हैं, माताएं तो अलग अलग हैं, तुम्हारे और हमारे पिता एक ही हैं, हम दोनों कश्यप ऋषि की संतान हैं, माताएं अलग अलग हैं, तो हम भाई भाई हैं और भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं धन आदि के लिए, कोई बात नहीं, पर बताओ हम दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, हम दोनों पियेंगे, तुम भी पीना हम भी पियेंगे। बलि ने कहा बोले ठीक है मंजूर है। हमारा समुद्र के मंथन की तैयारी हुई, मंद्राचल पर्वत की मथानी बासुकी नाग को तैयार कर लिया, रस्सी बन जाओ, अमृत के लोभ में रस्सी बनने के लिए तैयार हो गए। अब वह मंद्राचल पर्वत उठाकर लाने लगे तो कोई उठा नहीं सके। तब भगवान ने बाएं हाथ से उठा करके गरुड़ जी की पीठ पर रख दिया और गरुड़ जी ने उठा करके समुद्र में रख दिया। अब दानव देखते रह गए, वाह भाई वाह, विष्णु है सो तो है, इनका बहान गरुड़ भी कमाल है, जो काम हम नहीं कर सके वो गरुड़ ने कर दिया, ये मंद्राचल पर्वत गरुड़ ने उठा करके रख दिया समुद्र के बीच में। अब महाराज बासुकी नाग उसमें लिपट गए। अब जैसे ही देवताओं ने तुरंत बासुकी नाग का मुख पकड़ लिया, मुख की ओर लगे, तुरंत दानवों ने कहा वाजीवा तुमने इसका मुख पकड़ लिया और इसकी पूंछ हम पकड़े, जिधर से ये अपना मलमूत्र त्याग करता है ना, इसके अपवित्र अंग को हम नहीं पकड़ेंगे, हम भी कश्यप ऋषि के यानी ब्राह्मण के बेटा हैं, हम भी दानव हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम भी ब्राह्मण के बेटा हैं, इसलिए हम इसके अपवित्र अंग को नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने इशारा किया। अच्छा ये भगवान की नीति थी, नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारत, ये भगवान की नीति थी। भगवान ने देवताओं से पहले कह दिया था कि देखो ये दानव उल्टे दिमाग के होते हैं, जो काम तुम पहले करोगे वही काम ये करने दौड़ेंगे, तुमने यदि पूंछ पकड़ी तो ये पूंछ पकड़ेंगे, तुमने यदि इसका मुंह पकड़ा तो ये मुंह पकड़ेंगे, क्योंकि ये उल्टे दिमाग के होते हैं, उल्टा सोचते हैं दानव। तो महाराज भगवान ने कह दिया था कि जो इसके बासुकी नाग के मुख को पकड़ेगा उसकी हानि होगी, क्यों, जब घिसाई होगी रगड़ाई होगी तो बासुकी नाग के मुख से विष निकलेगा, आधे लोग तो वैसे ही झुलस जाएंगे, इसलिए भगवान के इशारे के अनुसार देवता पहले बासुकी नाग के मुख की ओर लगे थे। जैसे ही दानवों ने विरोध किया तुरंत छोड़ करके पूछ को पकड़ लिया, लो पकड़ो। अब महाराज मंथन होने लगा तो अब वो मंद्राचल पर्वत नीचे जाने लगा। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ के ऊपर वो मंद्राचल पर्वत लिया और भगवान की पीठ के ऊपर वह घूमने लगा।
एक बार भगवान की पीठ में खुजली चली तो लक्ष्मी जी से कहा, बोले लक्ष्मी जी थोड़ा पीठ में खुजली चल रही है, खुजा दो। तो लक्ष्मी जी ने अपने कोमल हाथों से थोड़ा खुजली उनकी खुजाई, भगवान की खुजली बंद नहीं हुई। भगवान ने कहा लक्ष्मी थोड़ा जोर से खुजाओ, खुजली जोर से चल रही है। लक्ष्मी जी ने और जोर लगाया तो भी खुजली नहीं मिटी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मेरे कोमल हाथों से आपकी खुजली नहीं मिटेगी, आप तो किसी पत्थर से जाकर के रगड़ लीजिए अपनी पीठ को। भगवान ने कहा, बोले ठीक है ठीक है ठीक है, समय आने पर ऐसा भी करेंगे। आज भगवान ने अपनी खुजली को मिटाया, उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर ले लिया, घूमने लगा। अब निकलना चाहिए सबसे पहले अमृत, लेकिन निकल आया विष। अच्छा देखो, विष निकालने के लिए मंथन किया जा रहा है क्या? विष प्रकट करने के लिए मंथन किया जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अमृत के लिए ये इतना उद्यम किया जा रहा है कि अमृत निकलेगा, लेकिन अमृत तो निकला नहीं और पहले विष निकल आया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आप सुख पाने की इच्छा को लेकर के कोई भी काम करोगे तो पहले आपको विष जैसा कष्ट ही मिलेगा। सुख बाद में मिलेगा, पहले दुख मिलता है। इसलिए महाराज विष निकला पहले और हलाहल विष से सब पूरा संसार जलने लगा। तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पान कर लिया, रा कह करके रा किया, रा कहा मुख में रखा, मां करके मैं अपना मुख बंद कर लिया और उसको नीचे नहीं ले गया, अपने कंठ में उसको रोक लिया। किसी ने शंकर भगवान से पूछा कि भोलेनाथ आपने विष पी लिया, आपका कुछ बिगड़ा नहीं? शंकर जी ने कहा, बोले ये हमारी विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता है? बोले ये तो भगवान के नाम की विशेषता है। बोले हम समझ नहीं पाए। शंकर जी ने कहा, समझने की क्या बात है? अरे ऊपर से आया विष, हमने ऊपर से पिया विष और हमारे भीतर से निकला राम। दोनों कंठ में मिल गए तो क्या हो गया? अरे इधर से आया विष, इधर से आया राम, दोनों बीच में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? विष राम। शंकर जी ने कहा, बोले हमने कुछ नहीं किया, हमने उस विष को राम जी के नाम से जोड़ दिया तो वह विष भी विश्राम देने वाला हो। जो विष मारने वाला था, जब उसी विष को राम जी के नाम से जोड़ दिया तो वही विष मारने की बजाय विश्राम देने वाला हो गया। ये भगवान के नाम की विशेषता है। मतलब इस कथा से हमको संदेश क्या मिला? इस कथा से हमको ये शिक्षा मिली है कि देखो, हम लोगों के जीवन में भी ऐसा समय आता है जिस समय हमको महान कष्ट मिलने वाला है, विष जैसा कष्ट मिलता है, तो करना क्या चाहिए? बोले करना कुछ भी नहीं है, जो शंकर जी ने किया वही हमें करना चाहिए। शंकर जी ने क्या किया? बोले देवताओं ने, देव समाज ने, शंकर जी का समाज कौन है? देवता। ये सब देव हैं, शंकर जी महादेव है, तो शंकर जी का समाज है देव। तो शंकर जी के समाज ने महादेव को जब विष पिलाया तो महादेव ने क्या किया? बस राम नाम जप करना शुरू कर दिया। बस ये सारी समस्याओं का समाधान है। जब जब हमारे जीवन में ऐसा कोई समय आवे कि महान कष्ट मिलने वाला है तो उस समय हर व्यक्ति को भगवान का नाम जपना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान है भगवान का नाम, राम या कृष्ण, सारी समस्याओं का समाधान है भगवान का नाम। और इसके बाद में फिर एक एक करके उसमें ऐसे रत्न निकले, श्री मणि रंभा वारुणी, ये रत्नों के नाम है। श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतरि कुल धेनु तरु चंद्र और विषबाज। विष के बाद में महाराज बारुणी नाम की मदिरा निकली, ऐरावत हाथी निकला, उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला, चंद्रमा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, लक्ष्मी जी निकली, चंद्रमा निकला, अप्सराएं निकली, कामधेनु गौ आदि निकली। सबके अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और वह कलश दानवों ने छीन लिया। देवता बिचारे उदास हो गए।
तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उन दानवों को मोहित किया और लाइन में बिठा दिया कि बैठ जाओ, मैं जिसको चाहूंगी उसको पिलाऊंगी। ये दानव तो मोहित हो चुके थे, भगवान का विरोध नहीं कर सके। भगवान ने अमृत का कलश ले लिया अपने हाथ में, एक तरफ दानवों को बिठाया, एक तरफ देवताओं को बिठाया। भगवान ने क्या किया, हाथ कर लिए देवताओं की तरफ और मुख कर लिया दानवों की तरफ। दानव तो भगवान का मोहनी रूप देख करके गदगद आनंद हो रहे थे, वाह। और इधर भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे थे। एक दानव ने देखा, लगता हमारे साथ में छल तो नहीं हो रहा है। सुमारा देवता बन करके वो देवताओं की पंगत में बैठ गया, पर ठहरा एकदम मूर्ख ही। अरे अंधेरे में बैठना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह बैठा जहाँ पर हजार हजार वाट के बल्ब लगे हों, प्रकाश में, मतलब सूरज और चंद्रमा के बीच में जाके बैठा। कहीं दूसरी जगह बैठता तो पहचान में भी नहीं आता। महाराज पहचान लिया, भगवान भी समझ रहे थे कि ये राहु है, पर चलो पंक्ति भेद नहीं करेंगे, इसलिए भगवान ने उसको अमृत पिला दिया। बाद में जब सूरज और चंद्रमा ने शिकायत किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पी लिया, इसलिए दो हो गए, राहु के तू मरा नहीं। और भगवान ने कलश दे दिया गरुड़ जी को, लो संभालो, और दानवों में हो गया हलचल, ये तो विष्णु है, छलिया है, हमारे साथ में धोखा हुआ, मारो मारो। फिर देवासुर संग्राम हुआ। आप विचार करिए, दानव हाथ में आया हुआ अमृत भी नहीं पी सके, क्यों? क्योंकि इनमें सुमति नहीं है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। दानवों के पास में अमृत का कलश आ चुका था, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी अमृत नहीं पी पाए, अमृत नहीं पी सके। क्यों नहीं पी सके? क्योंकि सुमति नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी ने देवता और दानवों की बुद्धि की परीक्षा लिया, तो निमंत्रण कर दिया भोजन का। दानव भी पहुंचे, देवता भी पहुंचे, और वहां ब्रह्मा जी की व्यवस्था क्या थी? ब्रह्मा जी की व्यवस्था ये थी, 56 प्रकार के पकवान बने, लेकिन श्री राम एक और रखा, दूसरा देखो, एक और रखा ना श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। जितना पंडाल में माता बहने हैं और भक्त लोग हैं, उतनी बड़ी आवाज नहीं आई, तो तुम अपने मन से ही भगवान को जो है जोर से जयकारा करेंगे। बोल राधा कृष्ण भगवान की। सभी बस्ती का परम सौभाग्य है भगवत में श्रीमद भागवत कथा के पावन पंडाल में आज हमारे बीच में महापुरुषों का, संतों का आगमन हुआ है। मैं सभी बस्ती वालों की तरफ से, क्योंकि सभी को तो यहाँ आना ठीक नहीं है, और हमारे बीच में श्री मस्तराम बाबा जी हैं, उनके द्वारा सभी संतों का जो है स्वागत करते हैं। जोगराज मठ से जो है महाराज जी पधारे हैं, मैं मस्तराम जी को कहूंगा।